सीबीएसई ने सोमवार को क्लास 12 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसी के साथ रिजल्ट की राह देख रहे करीब 12 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़े हैं कॉमर्स स्ट्रीम में 95% स्कोर करने वाले अभि कुमार सिन्हा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी सफलता का राज क्या है। सबसे पहले हमें बताएं कि आपने 95% स्कोर किया है कॉमर्स स्ट्रीम में, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? जी बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था, मुझे तो एक्सपेक्टेशन था कि और 1-2% ज़्यादा आ जाएगा, बट आई एम सेटिस्फाइड। तैयारी कैसे की है आपने, क्या रूटीन रहता था आपका? रूटीन मेरा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि और स्टूडेंट के जैसा 7-8 घंटा लगातार पढ़ता था, ब्रेक लेके पढ़ता था, बट मोस्टली 7-8 घंटा बहुत कम पढ़ा है मैंने, और जितना देर भी पढ़ा है बहुत फोकस करके पढ़ा था, यही रूटीन था, और ब्रेक लेता था तो फ़ोन और टीवी देखता था। अच्छा, आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं या ट्यूशन प्रेफर करते हैं? सेल्फ स्टडी में मैं बिलीव करता हूँ, मैंने खुद उसी को प्रेफर ज़्यादा किया है, बट ट्यूशन, अगर स्कूल में कुछ कुछ डाउट रह जाता था तो वो ट्यूशन में क्लियर हो जाता था। आगे फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? मैं CMA करने का सोच रहा हूँ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, जो बच्चे अभी 11 से 12 में गए हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में दोनों को प्रेफर करें, और स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा कोशिश करें स्मार्ट वर्क करने का। कौन कौन से बुक आपने प्रेफर किए थे? मोस्टली NCERT पे ही फोकस था, बट स्कूल में साइड बुक से पढ़ाया जाता था तो उस पर मैंने उसी से पढ़ा। सफिशियंट तो खैर कुछ नहीं होता है, बट NCERT से पढ़ने से मेरे ख्याल से बहुत हेल्प होता है। क्या आपकी खेल कूद में रुचि है? जी, मैं क्रिकेट खेलता था, मैंने कबड्डी खेली है स्कूल में। क्या आपके खेलने से पढ़ाई पर कोई इम्पैक्ट पड़ा? मैं भी ऐसा नहीं है कि खेला नहीं, मैं भी खेलता था, कोई इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं, शाम में मैं हमेशा खेला हूँ 1-2 घंटा। क्या कभी ऐसा मन करता था कि अब नहीं पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है, तो उस वक्त आपने क्या किया? हाँ, ऐसा हुआ था, मेरा ऑपरेशन हुआ था क्लास 12th में, उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मोटिवेशन खत्म हो गया था, बट 10th में मेरे मार्क्स बहुत कम थे और मम्मी पापा ने भी मोटिवेट किया, स्कूल टीचर्स ने मोटिवेट किया, तो वापस मैं फिर रुका नहीं, फिर पढ़ने लगा। अपनी सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का क्रेडिट अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा और टीचर्स को देना चाहूँगा स्कूल के। अभी से हमने बात करके बहुत कुछ जाना, जैसे कि पढ़ाई के दौरान कॉन्सेंट्रेशन बनाने के लिए हमें ब्रेक भी लेना चाहिए, कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी देखनी चाहिए। अभी ने एक और बात कही कि ज़रूरी नहीं कि हम बहुत देर तक पढ़े, बल्कि थोड़ी ही देर मन लगाकर पढ़ना ज़रूरी है, और साथ ही बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पेरेंट्स का रोल बहुत मायने रखता है। इस तरह की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे द टाइम्स मीडिया पर, बने रहे thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।